गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। राइड करके थकने के बाद जो नींद आती है ना, बहुत सही आती है। मज़ा आ गया भाई, सो के एकदम रिलैक्स भी हो गया। और मैं अभी हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर हूँ और मॉर्निंग के साथ साथ ठंड भी बहुत है। सुबह सुबह विटामिन डी, इतनी खूबसूरत धूप है कि स्किन पे भी ऐसे लग नहीं रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। सही है एकदम। चाय वाय मंगा था क्या, बोल दो। हाँ, ये मिल नहीं रहा था, इसको मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा था, अब जाके मिला है। जान में जान आई, बाकी तो 3 दिन का ट्रिप में लग जाने वाला। सब रेडी हो जाते भाई, ये रेडी नहीं हो, जल्दी कर भाई, देखता क्या है। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जर्नी स्टार्ट्स टुवर्ड्स द सम। तो आज का पूरा प्लान होने वाला है डेजर्ट सफारी का। इन गलियों में से निकलने का भी एक टास्क है भाई। वेलकम टू द फिफ्थ स्टॉप। 114 रुपये भाई पावर है। ओ भाई भाई, डरा दिया ना भाई। तो सादा कितना है भाई, उधर जाना भाई, भाई इलियास पीछे ले ले, फटाफट नंबर लगेगा। 1010 है भाई यहाँ पे जैसलमेर में, 110। ये पेट्रोल हमको मार डालेगा। नहीं नहीं भाई, कहाँ पावर भाई, माफ़ कर। हाँ वो सादा बराबर है। विंड मिल्स भी देखने को मिल चुके हैं हमको। यहाँ पार्क कर दे एंड वी आर फाइनली कासम डेजर्ट सफारी कैंप, जिसके हम 2 साल से वेट कर रहे थे भाई। जैसलमेर जाएंगे, 2 साल से जाने का सोच रहे थे भाई। अरे बाप रे, ये तो अंदर जा रहा है भाई। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम कासम डेजर्ट सफारी कैंप में। तो ये रहा हमारा गेट से बस तीसरा टेंट मिला है और बाइक वहाँ सामने पार्क किया है, चालू है ना। तो आओ चलते हैं अंदर, लेट्स कम इनसाइड एंड सी। ये रहा हमारा आज का स्टे, मतलब 2 दिन का स्टे यहीं पे होने वाला है। असम में रुकेंगे पूरा दिन और डेजर्ट सफारी जो भी कुछ रहेगा उसमें आज करेंगे। और यहाँ पर अभी बाथरूम है, वॉशरूम है, यहाँ पे हमने हमारा सारा सामान रख दिया है और ड्रोन शॉट अभी जस्ट लेने वाला है, तो बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम वल्ला हबीबी। सो वी आर रेडी फॉर द जुमा। जुमा का दिन है तो सोचा थोड़ा अच्छी तरीके से जैसलमेर के शेख बन के जुमा पड़ी जाए। और इलियास भी जैसलमेर का शेख बन चुका है। वल्ला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे मास भाई भी जैसलमेर के शेख भाई। भाई क्या है ये। एंड 3 शेख जैसलमेर में, सम के रेगिस्तान में वल्ला हबीबी भी करेंगे आज। तो जुमा के बाद मिलते हैं एंड अब जा रहे हैं हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम।
कैसा लगा मज? मस्त था कान बहुत खतरनाक भाई की पड़ गई थी चला वो रहे थे थक हम रहे थे ए ऊपर नीचे वो गिर गर्दन घाट याद आ गया हाँ अभी नेक्स्ट कैमल सफारी तो बने रहिए वीडियो में भाई बन ये दोनों चीज़ करके बहुत मज़ा है चाइना सेलिंग करनी है बट हमारा कुछ और प्लान है उस कोई और जगह पर जाके जहाँ पे पब्लिक कम हो और वहाँ पर सनसेट का नज़ारा हमको देखना है तो बस मैगी वैगी खा रहे और सनसेट वाली पॉइंट पे जा रहे तो कासम भाई हमने हमको यहाँ पर एक अलग स्पॉट पे छोड़ा है ये भी सैम ड्यून्स ही है और सैम ड्यून्स भी है और ये अलग जगह पर यहाँ पर वो जीप सफारी नहीं होती तो यहाँ पर रेत क्लीन होगा और बहुत साफ़ होगा तो आगे एक मस्त पॉइंट पर जा रहे सेट होने को है और अब वल्ला हबीबी से नॉर्मल मोड में आने का टाइम आ चुका है बहुत हो गया 3, 2, 1 सनसेट इज ऑल डन और आखिरी एक ख्वाहिश थी कि रेगिस्तान में बैठकर टुक्का जलाया जाए और वो भी आज हमने कर लिया है तो डन विद द डे और लास्ट में आज शायद कासम भाई के वहाँ पे कुछ फोक वॉक फोक डांस वोक डांस होगा तो भी एक झलक दिखा देता हूँ तो आप वो भी देख लीजिए तब तक के लिए हम यहाँ पर सनसेट का मज़ा लेते हुए और सनसेट के साथ खास करके यहाँ की ठंडी मस्त मज़े की वो एंजॉय करते हुए सही है ना होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली तो व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है मिलते हैं कल जाने वाले हैं हम लोंगेवाला टोनट माता मंदिर और इंडिया पाक बॉर्डर तो बहुत बहुत एक्साइटेड है तो बने रहिए और जुड़े रहिए और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए